हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, इसी में ही अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये देखो, ये डायग्राम हमने लिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। यहाँ पर ये ओरिजिन है, जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, वो ओरिजिन पर लोकेटेड है, और एक पाथ ले लिया है आपने ए बी, और ये इसी पाथ पर एक पॉइंट आपने पी लेना है, जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट, जैसे आपने पीछे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया था, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, जिसकी वैल्यू वन के बराबर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो फोर्स यहाँ पर एक्ट होगी पी पॉइंट पर ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, उस वैल्यू को आपने निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइन्स आएंगी पॉजिटिव चार्ज में, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये प्लस वन चार्ज यहाँ पर ले लिया है आपने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे आपने क्या करना है, तो आपने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट पी, कितनी फोर्स लग रही है पी पॉइंट पर, जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है, और किसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो आपको पता ही है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, क्यू इंटू वन, जो यूनिट चार्ज है वो वन है, डिवाइडेड बाय जो ओपी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर, और यहाँ से आप यूनिट डायरेक्शन भी बता सकते हैं, यूनिट वेक्टर। ये आपने कूलम लॉ लिया है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो कितनी फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है पी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो वैल्यू आपने लिखनी है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोपोर्शनलिटी को आप हटा देंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और ये आर कैप, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी है, तो उसी तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है पी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने किया है ना पीछे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, लेकिन यहाँ पर जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट की जगह आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, जिसकी वैल्यू क्या है, वन के बराबर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आपने वन ली है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो आपके पास ये आ जाएगी, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर, जितनी वैल्यू फोर्स की है उतनी ही वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई पी पॉइंट पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और आर कैप, ये आप ले लेंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बताना है कि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पी से क्यू पॉइंट की तरफ मूव करे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पी से क्यू की तरफ अगर मूव करे धीरे धीरे, और जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएल ले लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर करेगा, और यहां से लेकर जो पोजीशन वेक्टर है वो भी डीआर आप ले लेंगे, डीआर ले लेंगे। तो फिर आपने क्या करना है कि कितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप क्या कर रहे हो, ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी से क्यू की तरफ आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पी से क्यू की तरफ मूव करने में कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा आपको, तो वर्क डन आपको पता ही है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन
होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी एल आपने ले लिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एफ की वैल्यू किसके बराबर है, ई के बराबर है, ई डॉट डी एल, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। तो ये होगा जो टोटल वर्क डन, ई आपने किसके बराबर निकाला है, ऊपर एफ के बराबर निकाला है, टोटल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर ये आ जाएगी वैल्यू। तो जो टोटल वर्क डन होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर टू मूव ए द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W जो A से लेकर जो B तक का जो पाथ है इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A टू B, और जो टोटल वर्क डन की वैल्यू है E डॉट DL। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, जो A टू B आपने जो लिया है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी। अब देखो इस टॉपिक को दोबारा से देखो, देखो ये आपने एक एक पॉइंट चार्ज ले लिया है प्लस क्यू, जो कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर, और आपने ये जो डायग्राम है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने बना दिया है एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ए भी एक पाथ है जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया है पी पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, जो पॉजिटिव चार्ज आपने पॉइंट पी पर लिया है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, देखो यहां पर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस वन जो यूनिट वन चार्ज है, कितनी फोर्स, एक तरह से रिपल्सिव फोर्स ये एक्ट कर रहा है इस चार्ज के ऊपर, क्योंकि दोनों जो चार्ज हैं सेम सेम पोलैरिटी के हैं, तो कितनी फोर्स एक्ट होगी। तो कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्ज, इन दोनों का चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लेंगे और प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है पी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है प्लस वन लिख देंगे यहाँ पर क्यू नॉट की जगह जो आपने लिया है, और यहाँ पर जो ई की वैल्यू होगी एफ के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप निकाल देंगे। फिर उसके बाद आपने करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर मूव कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है पी टू क्यू डी एल, स्मॉल डी एल, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना करेगी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ मूव करने में कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, तो वो आपको पता ही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और फोर्स की वैल्यू ई के बराबर है, और जो टोटल वर्क डन अगर आपने इसमें निकालना है, हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये जो पाथ है इज गिवन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए टू बी, और यहाँ पर वर्क की जगह आप ई डॉट डी एल लिख देंगे, और ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे, नेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसका नेचर है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। और इसी को आप बोलेंगे पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब सबसे पहले आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स आपने प्लस वन क्लास में भी स्टडी किया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पाथ के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसकी वैल्यू हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जहां पर भी आप कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हो ना किसी भी बॉडीज के ऊपर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। और ये जैसे मैं आपको रफली ये बता रही हूँ, जैसे ये आपके पास एक डायग्राम है, मान लो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जैसे ये है, ये कोई पाथ है ए टू बी, ये इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं, और एक पाथ ये है, सेकंड पाथ ये है, ये सेकंड पाथ है और ये थर्ड पाथ है। अगर वर्क डन फर्स्ट पाथ में इक्वल है सेकंड पाथ के और थर्ड पाथ के, तब भी आप क्या बोलोगे, किस तरह की फोर्स एक्ट कर रही है यहां पर, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में इन क्लोज्ड पाथ, अगर कोई क्लोज्ड पाथ आपने लिया है, जैसे आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सॉरी ए पॉइंट है और ये उसके बाद यहाँ पर दोबारा आप ये बी पॉइंट है, अगेन आप ए पॉइंट पर आ रहे हैं, मतलब क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ। तो जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स में वो इन ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्क डन यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये तो जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपने प्लस वन में पूरा आपने इसका कंजर्वेटिव नेचर आपने पढ़ा हुआ है, कि जो वर्क डन, जो डेफिनेशन है वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी अलोंग एनी पाथ, कोई पाथ होगा आपके पास दिया हुआ ए बी, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज डिपेंड ओनली ऑन एंड पोजिशन, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पोजिशन, जो इसके एंड पॉइंट होंगे ए और बी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ, कि आप कहां से कहां जा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो वर्क डन होगा। तो इसको आप समझेंगे ध्यान से कि कंजर्वेटिव नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहाँ पर भी आपने सबसे पहले डायग्राम को आपने स्टडी करना है कि देखो ये हमारे पास एक डायग्राम, यहाँ मैं बना रही हूँ डायग्राम, एक्स वाई जेड एक्सिस आप ले लो, यहां पर ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्ज है और ये कोई एक पाथ है, ठीक है, यहां से ये कोई पाथ है ए बी, ए बी, और ये इसके एंड पोजीशन वेक्टर्स हैं ए से लेकर बी, ठीक है, ए टू बी, ये इसके एंड पोजीशन जो वेक्टर हैं आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर। आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर एक पी पॉइंट है इसी पाथ पर जो लाई कर रहा है पी पॉइंट, जहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया है इसी पाथ पर, तो कितनी फोर्स एक्ट होगी इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर पी पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्ट होगी। अब प्लस क्यू चार्ज है तो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप बताओगे फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर इन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यही वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कितनी वैल्यू फोर्स कितनी एक्ट हो रही है क्यू नॉट ई वेक्टर, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहां पर क्यू नॉट ई, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, देखो ना यहां पर मैं बता रही हूं, जैसे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका यूनिट जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, दोनों चार्जेस की जो पोलैरिटी
पोलैरिटी है वो सेम है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों की सेम है, सेम पोलैरिटी होने की वजह से ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसके ऊपर एक तरह से रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जब भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी तो ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ये एक तरह से एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इसको एक तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इसको एक्सेलरेट, ठीक है, इसकी जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है उसको स्टॉप करने के लिए आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ताकि जो टेस्ट चार्ज है वो इसी पाथ पर रहे। तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट ना हो जाए, तो आपने इसके अपोजिट में एक और फोर्स यहाँ पर एक्ट करनी है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको हम क्या कर लिख सकती हूँ मैं, जो उसको आप लिख सकते हो माइनस क्यू नॉट ई, ये अपोजिट, ये इस फोर्स के लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स has to be applied on the test charge Q not। उसके बाद यहाँ पर एक Q point है, Q point है कितना work done करना पड़ेगा test charge को P से Q की तरफ move करने के लिए, P से Q की तरफ move करने के लिए कितना small amount of work done करना पड़ेगा। जैसे ये displacement DL है तो वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये मान लो कोई पॉइंट है यहां पर, ये पी पॉइंट है और अगर मैंने इसको क्यू पॉइंट पर लाना है, ये ऑलरेडी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है ये चार्ज, तो यहाँ क्यू पॉइंट पर लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी कि यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो डीएल है, तो वैसे ही ये यहां पर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, तो जो टोटल वर्क डन होगा यहां पर, टोटल वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस चार्ज की वजह से जो ओरिजिन पर चार्ज है जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो तो क्या कर रही है, इसको टेस्ट चार्ज को रिपल्सिव फोर्स लगा रही है ताकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ चला जाए, इस तरफ ना आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा कि मैंने ये जो चार्ज है वो मैंने क्यू पॉइंट पर लाना है, ठीक है, अंगेस्ट काम करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपको टोटल वर्क डन निकालने के लिए कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पाथ आपका ए टू बी है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, और ए टू बी यहां पर मैं लिख सकती हूँ वर्क डन की जगह लाइन इंटीग्रल ऑफ, यहां पर लिख देंगे ए टू बी एफ डी एल और एफ की वजह से, ताकि जो चार्ज है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलेट ना हो जाए उसके लिए आपने ये फोर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाई थी ताकि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो पी पॉइंट पर रहे। तो मैं फोर्स की जगह ये वैल्यू अब पुट कर रही हूँ, ए टू बी माइनस क्यू नॉट ई डी एल, ई डॉट डी एल। यहां तक आपको समझ आ गया, तो फिर उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे आप ये वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी माइनस क्यू नॉट ए टू बी E dot dl आपने किया, और डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व कर देंगे a to b e dl cos of theta, पता है आपको ये आपने यहां पर लिखा है वही लाइन मैंने a to b e dl cos of theta। उसके बाद आपने क्या करना है, डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, यहां से q से लेकर n तक, q से लेकर n तक आपने एक परपेंडिकुलर आपने यूं ड्रॉ करना है, q से लेकर n तक इस पॉइंट पर जो पी एन होगा, जो ये स्मॉल पी एन होगा इसको आप डी आर ले लेंगे परपेंडिकुलर, और यहां पर ये एंगल थीटा होगा, ऐसे बनेगा ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, क्यू एन परपेंडिकुलर
O P and so P N is equal to D R ले लेंगे आप from triangle P Q N. ये आपने एक ट्राइंगल ले ली है यहाँ पर पी क्यू एन. देखो ये ट्राइंगल आपने ऐसे बनी है, ये आपके पास ये, और यहां से आपने ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है. मान लो ये इस पॉइंट से यहां तक आपने ये एक तरह से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, ये थीटा है, ये कोई पाथ है, और ये आपके पास P है, ये Q है, ये N है. अब देखो जहां एंगल थीटा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने किया है स्टडी, जहां एंगल थीटा होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जहां 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज. तो ये हाइपोटेन्यूज है और इसके सामने ये परपेंडिकुलर साइड है पी क्यू एन में, और ये बेस है, बेस है, और बेस की वैल्यू आपके पास दी हुई है डी आर, डी आर है, और ये भी आपको पता है ये कितनी है डी एल. तो आपके पास बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है. तो बेस और हाइपोटेन्यूज आप कहां से निकाल सकते हो, कॉस ऑफ थीटा से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस आपके पास कितना है पी एन अपॉन पी क्यू, और कॉस ऑफ थीटा पी एन, पी एन आप डी आर ले लेंगे, और पी क्यू, पी क्यू को आप DL लिख देंगे, और यहां से आप DR की वैल्यू आ जाएगी DL cos of theta, DL cos of theta, और यहां DL cos of theta में इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे इन टू वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट ए टू बी. यहां EDL cos of theta था, तो यहां पर मैं EDL, यहां पर मैं DR लिख सकती हूँ DR, और जो इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू नॉट पोजिशन वेक्टर की टर्म में लिख देंगे. अब आर ए, क्योंकि डी आर आ गया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको आपने ई डी आर यहां पर. फिर ये जो डिस्टेंस आर ए और आर बी है, जो डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी की फ्रॉम ओरिजिन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, therefore electric field intensity, field intensity at point P, at point P due to charge Q is, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 pi epsilon naught r स्क्वेयर. ये वैल्यू आपने की है, तो यहां पर पुट कर देंगे फिर वैल्यू को, इस थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर देंगे माइनस क्यू नॉट, और इंटीग्रल ई की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught r square और डी आर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आप लिख देंगे. अब जो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो बाहर ले लेंगे आप, जैसे ये है माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught इंटीग्रल आर ए टू आर बी 1/r² dr. और आपको ये भी पता है कि जब भी इंटीग्रेशन आप करते हो एक्स की पावर एन डी एक्स, तो कितना होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट. यहां पर आर है, तो ये जो टू है इसको भी आप इंटीग्रल फॉर्म में यहां पर लिख लेंगे माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught. इसको मैं एक स्टेप और कर लेती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये एक्स की पावर एन ही आ गया ना, तो आप इंटीग्रल फॉर्म मैं आपने इसको ऐसे लिख दिया 4 pi epsilon naught, फिर उसके बाद आपने n प्लस वन वाला फार्मूला लिख देंगे माइनस टू प्लस वन और आर बी. यहाँ पर आपके पास माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू नॉट क्यू 4 pi epsilon naught. यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा
और ये यहाँ पर r माइनस वन आ जाएगा और उसको मैं वन अपॉन r लिख रही हूँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 4 पाई एप्साइलन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप यहाँ तक इसको करेंगे एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से आपने क्या करना है, फिर उसके आगे आपने वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, ऐसे आप इसको कर लोगे। ठीक है, ये आपने लिख देना है ऐसे और ये आपके पास वैल्यू, आप यहाँ तक इसको कर लेंगे। तो देखो ये जो आर बी और माइनस आर है यहाँ पर देखेंगे ना आप, अगर आपने जो डेफिनेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये टॉपिक आपको बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वर्क डन आप कर रहे हो ना टेस्ट चार्ज को ब्रिंग करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपने निकाल दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कैसी है, वो कंजर्वेटिव नेचर की है, कंजर्वेटिव नेचर की है। और वैसे ही आपने क्लोज्ड पाथ में भी निकाल सकते हो कि अगर क्लोज्ड पाथ दिया है आपके पास तब आप कैसे निकालेंगे क्लोज्ड पाथ, तो क्लोज्ड पाथ में भी आपने ऐसे निकालना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। अगर क्लोज्ड पाथ दिया है आपके पास, मान लो ये कोई यहां पर डायग्राम में बना रही हूं साइड में, ऐसे आप डायग्राम बना लेंगे क्लोज्ड पाथ, ये कोई एक पाथ है, यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है ओरिजिन पर और ये एंड और इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं ये बी पॉइंट पोजीशन वेक्टर, आर बी ले लो ये ए पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ये वाला पाथ आप ले रहे हो अलोंग स्मॉल ए पाथ, फिर बी से ए की तरफ जा रहे हो, ऐसे कर लेंगे। पहले आपने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लेनी है, पाथ ए लेना है आपने, पाथ ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, कौन सा पाथ ले रहे हो आप, स्मॉल ए स्मॉल पाथ, हाँ स्मॉल ए है, ए से बी आप जा रहे हो स्मॉल पाथ, तो वैल्यू आपको पता ही है ऊपर लिखी है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां से लेकर कहां तक, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आर ए माइनस आर बी। फिर सेकंड आपने क्या करना है, पाथ बी लेना है ई डॉट डी एल, क्या करेंगे जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स बी टू ए, बी से आप ए की तरफ जा रहे हैं लेकिन पाथ आपने स्मॉल बी लिया है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू लिख देंगे आप, पाथ बी है ये वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे इस वैल्यू को और इसको, एडिंग 1 एंड 2, जब ऐड आप करेंगे तो उस केस में ई डॉट डी एल प्लस ई डॉट डी एल, ये पाथ ए है और ये पाथ बी है, तो यहाँ पर वैल्यू आप लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, कॉमन ले लेंगे बाहर
क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught, 1 upon r a minus 1 upon r b plus 1 upon r b minus 1 upon r a. तो देख लो आप, कैंसिल हो जाएगा. तो जब भी क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है, क्लोज्ड पाथ होगा तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. तो ये एक और कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड हो गई है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है, कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में हमेशा क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा. तो ये आपने कर दिया है. तो आपने यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे करना है टॉपिक को. और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो एक तरह से क्या कर रहे हो आप इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जहां पर आप डिटरमाइन करते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज कैसे हो रहा है वन बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ. अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको आप वाटर पोटेंशियल की तरह भी आप कंपेयर कर सकते हो, कि जैसे जो जो मोशन होता है वाटर का वो हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक. तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने एक ये टैंक लिया है, ये टैंक ए लिया है, टैंक बी लिया है, जो डायमीटर है आपके पास, और यहाँ पर एक ये ऐसी जो स्टॉप कॉक लिया है वो क्या कर रहा है, वाटर को फ्लो नहीं करने दे रहा है एक टैंक से दूसरे टैंक की तरफ. जो टैंक ए है उसका डायमीटर कम है और टैंक बी का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर का लेवल है ज्यादा हाइट पर है, हायर लेवल पर है, ठीक है, लेस डायमीटर है लेकिन जो वाटर है उसका हायर लेवल तक है, ऊपर तक, एज कंपेयर टू टैंक बी. टैंक बी में वाटर लेवल क्या है, लो है. तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने अगर स्टॉप कॉक को आपने ऑन कर दिया तो वाटर ए लेवल से जो टैंक ए है वहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा बी तक, और तब तक फ्लो करेगा जब दोनों के टैंक में क्या ना हो जाए, सेम लेवल नहीं आ जाए वाटर का, ठीक है. तो ये जो एक फैक्टर है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ठीक है, ना कि इस चीज को बता रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर, कितना दोनों में कितना वाटर कंटेंड है दोनों टैंक में. मतलब वैसे ही चार्ज भी आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है. तो मतलब पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिसिटी में आप जो पोटेंशियल की जो टर्म आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी वो जो डायरेक्शन है चार्ज की कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूव कर रहा है, आप ये नहीं बता रहे हो कि कितना अमाउंट चार्ज का दोनों बॉडीज ने हेल्ड किया हुआ है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो सेम वही है, ठीक है, कि जैसे अभी आपने निकाला पीछे कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू आपने लिया था लाइन इंटीग्रल क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught, और ये आपने वैल्यू अभी निकाली, ये आपने निकाली थी. जैसे ये है मान लो आपके पास ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, प्लस क्यू चार्ज यहां पर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, और ये आपका कोई ए पॉइंट है यहां पर चार्ज टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है. आपने क्या करना है, हाँ, अज्यूम करना है मान लो ये पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो, उस केस में क्या होगा कि अगर आपने पी से लेकर क्यू तक अगर आप इस टेस्ट चार्ज को आप मूव कर रहे हो तो जब सेम सेम पोलैरिटी है दोनों चार्जेस की, हाँ, तो ये क्या करेगा, एक तरह से इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में एक तरह से फोर्स लगाएगा. अगर आपने पी से क्यू पॉइंट इसको टेस्ट चार्ज को लाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ये ऑलरेडी इसको क्या कर रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है.
आउटवर्ड डायरेक्शन में, आप चाहते हैं कि मैं क्यू पॉइंट पर आऊं, तो सेम सेम पोलैरिटी की वजह से रिपल्सिव फोर्स यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो इनिशियल पॉइंट है वो आपने इन्फिनिटी पर ले लिया है, तो जैसे मैं इन्फिनिटी ले लूँगी और उस नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जो फाइनल पॉइंट बी, मान लो ये है आपके पास बी पॉइंट, फाइनल पॉइंट बी, उसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, आर है। तो आप क्या करोगे, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और वैल्यू आपके पास है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। धीरे धीरे वर्क डन करना है, ऐसा नहीं कि चार्ज को यहाँ से उठाया और बी पॉइंट पर रख दिया, बिल्कुल धीरे धीरे होगा ये, धीरे धीरे वर्क डन होगा। तो जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल यही होता है, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ए मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तरह से कैसी लग रही है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आप बी पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क डन आपको करना पड़ेगा टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो इसको आप पोटेंशियल लिखते हो और पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास ये रहेगी, और वैसे ही आप यूनिट भी इसमें लिख देंगे वर्क के जूल और इसके कूलम। और जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की भी सेम डेफिनेशन वही होगी, बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब सेम वही आपने लेना है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बता दिया ना आपको, ये है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सेम आप ले रहे हो कि ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर और ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर आप कोई चार्ज इन्फिनिटी पर लाई कर रहे हो। तो जैसे आपने इसको लाना है ना, ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर नहीं आने देगा। हाँ, यहां तक ये जो बी पॉइंट है यहां तक इसका फील्ड है, ये नहीं आने देगा, एक तरह से क्या करेगा इसको, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ताकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है, ये आपने स्टडी कर दिया। अभी दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको निकालना है, बी और ए के बीच का। तो वर्क डन यहां पर ए और बी आपने लिया है, पीछे आपने वैल्यू आपने निकाल दी है ए टू बी, आप लिख देंगे वर्क डन यहां पर ए टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिख देंगे पीछे से, आपने निकाली है ना वैल्यू, ये आपने पूरी अभी निकाला है एक्सप्रेशन, पीछे आपने किया भी, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी और माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये आप कर लेंगे और तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये आप ऐसे कर लो वन पॉइंट टू अदर। ठीक है,
ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, उसको आप ले रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके।